प्रेम से कुछ प्रेम होता है, वह देश काल और परिधि से परे होता है। प्रेम की कोई जात नहीं होती, उसकी कोई उम्र नहीं होती। प्रेम तो सार्वभौमिक है, अनंत है, असीम है, देवता भी इससे अछूते नहीं है। इसी पर आधारित हमारा एक अगला कार्यक्रम है जागर भगवान गंगना की अधूरी प्रेम कथा, जिसमें एक कथा को मैं थोड़ा बताना चाहूंगी अगर आप सुनना चाहें, क्योंकि जागर में इतना समझ में नहीं आता। भगवान गंगना उत्तराखंड में कई जगह पूजे जाते हैं। कहते हैं कि नेपाल के डोटी से वो यहाँ आए थे, एक राजा के पुत्र थे। सौतेली माँ की वजह से वे भटकते भटकते अल्मोड़ा पहुंचे। वहाँ जोशीखोला गांव की एक ब्राह्मण कन्या भाना से उनका प्रेम हो गया, परंतु ब्राह्मण पिता की को जाति भेद के कारण यह विवाह मंजूर नहीं था। बहुत मना करने पर भी जब भाना और गंगनाथ को एक दूसरे से दूर होना असंभव बता दिया गया, तो ब्राह्मण पिता ने गांव वालों को बुलाकर धोखे से गंगनाथ की हत्या करवा दी। उन्हें कुएं में फेंक दिया गया। भाना भी उसी कुएं में कूद कर उसने भी अपनी जान दे दी, परंतु अतृप्त आत्माओं के प्रकोप से गांव वाले परेशान हो गए। अंत में उन्होंने उसी कुएं में के पास भगवान गंगनाथ का मंदिर बनाकर उसकी स्थापना कर दी। तब से लेकर गंगनाथ के जागर लगाए जाते हैं, पूजे जाते हैं और उन्हें न्याय के देवता कहा जाता है। सबकी मनोकामना पूर्ण करें भगवान गंगनाथ। जागर प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री होशियार सिंह जी, रोंगटे खड़े कर देने वाले जागर, आप सुनिए। हम अपने भगवान गंगनाथ को यहाँ बुलाना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे आए हैं, मेरा नमस्कार उनको। मैं पहली बार स्टेज शो कर रहा हूँ यहाँ पे। दिवंगत ने हमें बहुत सपोर्ट किया है कि यहाँ पे स्टेज शो कराने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पहला स्टेज शो है यहाँ पे, और मेरे एल्बम का गाना है ये भानु वाला, जो गंगनाथ भगवान के प्रेम कथा के ऊपर हमने गाया हुआ था। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और प्लीज अगर तुम चाह सके भगवान गंगनाथ भगवान को मरता है खुश है जो, तो तुम जरूर अपन जग में जून से अच्छा डांस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज भी